आज हम बात करते हैं कि जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स आप हर तरह के क्वेश्चन पूछिए। ये मत सोचिए कि ये सवाल अगर हम पूछेंगे तो ये बहुत ही बेकार का क्वेश्चन होगा या ये बहुत अच्छा है, इस तरह का नहीं। अपनी सारी क्वेरीज हैं उनको आप सॉल्व करिए और अपनी क्वेरीज को अपने जैसे फ्रेंड सर्किल या फिर अपने रिलेटिव्स उनसे सॉल्व मत करवाइए, क्योंकि कैंसर बहुत तरीके का होता है, हर का इलाज अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम आसपास लोगों से पूछ के डर जाते हैं और पता चलता है कि जो इलाज है या साइड इफेक्ट है वो तो बहुत कम है। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी होती है, हर कैंसर में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना होता है, और वो कैंसर जो कि मुँह को या फिर खाने की नली को, पेट को, इन सब को इन्वॉल्व करते हैं, तो उन कैंसर्स में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एज ए पेशेंट क्या करना चाहिए? एज ए पेशेंट ये करना चाहिए, यूट्यूब तो हम सभी देखते हैं, इतना सारा फ़ोन देखते हैं, तो फ़ोन में यू शुड सी कि हम क्या खा सकते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, खुद भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव इसमें भी होना। अटेंडेंट कितना समझेंगे, डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए, फिर खुद भी सोचिए कि मेरा स्वाद कैसा है और मुझे क्या खाना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक वो बहुत अच्छा रखें। जितना अच्छा आप खाएंगे साइड इफेक्ट आप बड़े आराम से ही सहन कर पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है फ्लूड इनटेक। फ्लूड इनटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्लूड इनटेक कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारा पानी एक बार में पी जाए, ऐसी चीज़ लें जिसमें एनर्जी भी हो, है ना। अगर आपको ज़्यादा आपको शुगर नहीं है या शुगर है उसके हिसाब से आप छाछ या लस्सी या कुछ शेक्स आप ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको कंटिन्यूसली आपको लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार 500 ml पीते रहें, आप 50 ml भी पियेंगे, 100 ml भी पियेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में पियेंगे तो ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे।